ठीक है, हमने इस होम पेज में क्या क्या बनाया, हेडर सेक्शन बनाया। अभी जो हमने यहाँ पे लोगो लगाया और यहाँ पे कॉलेज के बारे में कुछ कुछ हमने लिखा है, ये सारा चीज़ क्या है, हेडर सेक्शन है। ठीक है, ये चीज़ सभी में कॉमन होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, एचआर। ठीक है, एचआर मैं यूज़ करूँगा, एक एचआर और यूज़ करूँगा ताकि हम लोग का जो सेक्शन है वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एचआर और ले लूँगा, तो दो एचआर मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो दो लाइन यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है, हम चाहते हैं तो एक एचआर यहाँ पे और ले सकते हैं इस नेविगेशन के ऊपर में, तो हम लोग का जो कोड है वो कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिखेगा। ठीक है, मतलब जब हम लोग इस वेबसाइट को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को पर्टिकुलर दो लाइन दिख रही, दो लाइन के बीच में यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, मेनू दिख रहा है। ठीक है, तो काफी अच्छा सा सुंदर सा दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं, मैं इस दो एचआर के बीच में यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट डालूंगा। कंटेंट डालेंगे जैसे कि कोई भी ई लाइब्रेरी के बारे में हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई लाइब्रेरी, ठीक है, तो ई लाइब्रेरी के बारे में हम लोग कुछ सर्च करते हैं विकिपीडिया। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में हम लोग को मिल रहा है, लगभग वही चीज है। हम लोग यहाँ से कुछ भी कंटेंट कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं पैराग्राफ टैग लूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेंट लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ कंटेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में है 1 2, इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि हम लोग को ना लगे कि ये कॉपी पेस्ट कहीं से किया गया है। ठीक है, तो ये कंटेंट हम लोग ने लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग को यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे दे दिया। ये होम पेज में, अभी ये अभी होम पेज में। ठीक है, होम पेज में हम लोग दे देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या डालना है, यहाँ पे डालना है सर्विसेज या फिर बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, बुक्स बनाएंगे। ठीक है, बुक्स के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ कंटेंट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, पैराग्राफ टैग खत्म हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे टेबल बना लेना है। ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल टैग यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टेबल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग को अलग अलग टाइप की बुक्स मिले। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट वाइज मान के चलो कि हमारे पास कंप्यूटर्स है, ठीक है, साइंस है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को अलग अलग टाइप की सर्विसेज यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दे दूंगा TH। ठीक है, TH मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग हेडर यहाँ पे दे रहे हैं TH। ठीक है, TH को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब TH हम लोग किसके अंदर लेंगे, TR के अंदर लेंगे, तो मैं यहाँ TR बना देता हूँ और यहाँ TR को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो एक रो बनेगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक हेडिंग में दे देता हूँ, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, मैं इसको कॉपी करते जाता हूँ यहाँ पे। इसको आप लोग ध्यान से देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तभी आप लोग ये सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, फिर साइंस। ठीक है, ये हम लोग बुक्स की कैटेगरीज यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, साइंस हो गया, कॉमर्स। ठीक है, मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ कैटेगरीज बना लिए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा, एक इस टाइप का हम लोग को दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पहले में आ गया है। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग यहाँ पे कुछ कैटेगरीज यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये सारा अभी फर्स्ट रो में दिख रहा है। ठीक है,
तो हम लोग चाहते थे यहाँ पे एक रो में अलग अलग कॉलम्स हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, कॉलम्स हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखना चाहें तो बॉर्डर हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे, बॉर्डर इक्वल टू यहाँ दे देंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग का एक पर्टिकुलर एक सेक्शन बनते जा रहा है। अब हम लोग इसके नीचे नीचे रोज ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान के चलो मैं इस प्रकार से करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ टी डी, टी एच हो चुका है हम लोग का। अब सेकंड रो में आते हैं हम लोग, एक सेकंड, मैं इस टी आर को पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं अब मान के चलो कंप्यूटर साइंस में बुक्स कितने टोटल अवेलेबल है हमारे पास, मान के चलो कि 10,000 है। ठीक है, साइंस में भी कितने होंगे, मान लो कि 14,347, ऐसा कुछ रैंडम हम लोग नंबर डालते हैं। कॉमर्स के लिए भी लगभग लगभग 8,900 कुछ इस टाइप से बुक्स हम लोग डाल देंगे, और मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग कुछ बुक्स डालेंगे 3,466 ऐसा। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे कैसा डिस्प्ले होगा, कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका फॉन्ट साइज वगैरह सारा चीज हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बाद में हम लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब इसको बनाए तो यहाँ अलाइन सेंटर इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी यही सारी चीजें यूज करके एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट आप लोग बनाएंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे बनाते जाना है। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, टोटल बुक्स हमने डाल दिया कि हमारे ई लाइब्रेरी में इतने सारे टोटल बुक्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हम लोग को डाउनलोड कर लेनी है, जैसे कि पीडीएफ में बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग को डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, कहीं बहुत सारे जगह हम लोग को मिल जाएगा, जैसे हम लोग ई बुक्स अगर सर्च करते हैं। ठीक है, ई बुक्स फ्री डाउनलोड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हम लोग को मिल जाती है जहाँ से बहुत सारे फ्री बुक्स हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ कुछ डाउनलोड डाउनलोड हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एटलीस्ट कंटेंट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग जो भी बुक का अगर करना चाहते हैं, जैसे मान के चलो हम लोग यहाँ पे करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यशवंत कानेटकर। ठीक है, लेट अस सी, और इसका पीडीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है ये पीडीएफ फॉर्मेट में। ये ई बुक हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड पीडीएफ हम लोग कर लिए और ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो ये फाइल को हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, अभी ये डाउनलोड हो रहा है, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है, और इसको मैं कट करूँगा और अपने फोल्डर में जाके पेस्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, ये मेरा ई लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा डॉक्यूमेंट या फिर ई बुक्स हम लोग लिख लेते हैं, ई बुक। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक पीडीएफ फाइल हो गई। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे डालना है, ठीक है, अगर कंप्यूटर साइंस में हम लोग कोई भी एक बुक को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे क्या बनाया है, ठीक है, हमने यहाँ पे बुक्स बनाया है। ठीक है, तो हम लोग इसको बुक्स के अंदर में डालेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग होम पेज को थोड़ा बहुत और कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक फुटर ऐड कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बुक्स पाएंगे, अबाउट पाएंगे, मतलब अलग अलग पेज में यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को जनरल यहाँ पे बता रहा हूँ कि डेटा कैसे डालना है, कहाँ डालना है। ठीक है, जैसे ई लाइब्रेरी को हम लोग जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स को मैनेज करता है, बुक्स को इशू करेगा, रिटर्न करेगा, और ई लाइब्रेरी मतलब ऑनलाइन कंटेंट हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो
तो वो सारी चीजें यहाँ पे कैसे हम लोग डाल सकते हैं। और बुक्स ऑनलाइन मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है इस बुक्स वाले सेक्शन में आएगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे कोई भी पेज नहीं बनाया है, ठीक है, तो अभी कोई भी लिंक यहाँ पे नहीं है। जैसे हम पेज बना के यहाँ पे लिंक कर देंगे तो वो ओपन होने लगेगा, तो वहाँ पे भी ये सारी चीजें हम लोग को डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे फुटर, ये वाला जो था हेडर सेक्शन था, और यहाँ पे होगा ये फुटर, ठीक है, इस लाइन के नीचे फुटर होगा। जो भी कंटेंट हम लोग को डालना है वो यहीं पे हम लोग को डालना पड़ेगा। ये हमारा एक्चुअल इस पेज की बॉडी है, ठीक, बॉडी तो पूरा है, बॉडी में ही हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे कंटेंट डालेंगे, ठीक है, कंटेंट हम लोग जो डालेंगे बस इतने ही पार्ट को चेंज करेंगे, बाकी सारा चीज सेम होगा, ठीक है। हम लोग बार बार इसकी कोडिंग नहीं करेंगे, एक बार हमने कर दिया, ठीक है, और हर पेज में उसका ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फुटर पे यहाँ पे देखते हैं। फुटर में हम लोग के पास दो तीन चीजें होती है, ठीक है। फुटर के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो भी हम लोग अपना कंटेंट डालें वो एकदम बहुत अच्छे से वहाँ पे हम लोग को दिख जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से टेबल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे ले लिए फुटर, ठीक है। ये हो गया फुटर, और वैसे ही यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हेडर, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं हेडर क्लोज एंड लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग को इस टाइप का हम लोग को कोडिंग में भी करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं हेडर स्टार्ट, ठीक है। हेडर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग का कंटेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। हम लोग ऐसा कमेंट्स यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। कहाँ पे क्लोज होगा, इस फुटर के पहले में, ठीक है। कंटेंट एंड, ठीक है, कंटेंट के बाद क्या हो चालू हो रहा है, फुटर चालू हो, फुटर स्टार्ट। तो इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि कोडिंग हम लोग कहाँ से कहाँ तक किए हैं, ठीक है, कौन सी कोडिंग क्या चीज के लिए हम लोग किए हैं, ठीक है। तो ये अभी फुटर हमने स्टार्ट किया, फुटर में हम लोग को कंटेंट डालना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दे देंगे, लिख देंगे यहाँ पे यूजफुल लिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ लिंक यहाँ पे डालेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपल अभी लिंक 1 दे दे रहा हूँ, वैसे यहाँ लिंक 1 लिंक 2 करके मैं दे दूंगा, ठीक है। जो भी हम लोग को लिंक डालना है वो हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोग को दिखेगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिखेगा, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है, ये वर्टिकली हम लोग को चाहिए, ठीक है। मतलब इसको हम लोग को अलग अलग रो बना के डालना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रो बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा TR, ठीक है। इस TR के बाद में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे मान लो इसको मैं, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, TR हम लोग ले लेते हैं, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला TD हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इस TD के अंदर हम लोग लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। इस TD के अंदर जो भी कंटेंट हम लोग डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, LI/LI, ठीक है। तो
यहाँ पे हम लोग किस टाइप से लिस्ट ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे यूएल। एक सेकंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं लिंक वन, कॉपी किए, पेस्ट किए, पेस्ट किए, ठीक है, और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे कुछ लिंक्स यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। अब इसको लिंक कैसे बनाएंगे वो हम लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिलहाल ये बॉर्डर हटा देता हूँ ताकि हम लोग का ये आउटलाइन यहाँ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिखे तो चलेगा। अब यहाँ पे यूजफुल लिंक, इसको लिंक कैसे बनाएंगे, हम लोग लगा देंगे एंकर टैग, ठीक है, और एंकर को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है, एंकर क्लोज किया, और यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करेंगे HREF इक्वल टू, मैं अभी कोई भी लिंक यहाँ नहीं दे रहा हूँ, तो हैश डाल के हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ, लिंक वन की जगह पेस्ट करता हूँ, लिंक वन की जगह पेस्ट कर देता हूँ, ये तीनों क्या बन जाएगा, लिंक बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं लिंक बन चुका है, ठीक है, लिंक इसको कर देते हैं टू। हम लोग ये लिंक बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पहले हम लोग का स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे बन गया, ठीक है, यूजफुल लिंक, और अलाइन यहाँ पे कर देंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से दिखेगा, या फिर हम लोग सेंटर में भी हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग इसको सेंटर में ही रहने देते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया सेंटर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे, जैसे कि ये एक रो हो चुका था, ठीक है, एक कॉलम यहाँ पे हो चुका था, एक कॉलम हम लोग और दे देंगे, एक कॉलम हम लोग और दे दिए, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या इसमें डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यूजफुल लिंक की जगह अदर लिंक्स यहाँ पे हम लोग दे देंगे, और जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ लिख दिए, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एन लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देते हैं ई शोध गंगा, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कोई भी, मतलब चलो ये हम लोग बाद में डाल देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के हम लोग को यहाँ पे एक अदर लिंक्स का भी यहाँ पे सेक्शन हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग एक टीडी यहाँ पे और बना लेंगे, ठीक है, एक टीडी और हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग डाल देंगे, और यहाँ से हम लोग ये लिंक को हटा देते हैं, लिंक को मतलब एंकर टैग को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग लिखने के साइंस कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है, साइंस कॉलेज लाइब्रेरी हम लोग लिख लेंगे, और वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे स्ट्रेट, स्ट्रेट नंबर 69, स्ट्रेट 69,
ठीक है। और एक हम लोग को यहाँ पे देना है, चार हो चुका है ऑलरेडी, सेक्टर 6 हिलाई, ठीक है। चलिए स्ट्रीट नंबर जो है हम लोग यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट फ्लोर इस टाइप से। तो ये हम लोग का कांटेक्ट इंफॉर्मेशन हो गया, तो कांटेक्ट इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे हम लोग को देना है। ठीक है, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन भी हम लोग को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ कांटेक्ट इंफॉर्मेशन भी हम लोग बना लिए। और साथ में हम लोग क्या बना सकते हैं, एक चीज हम लोग इसमें और बना सकते हैं, यहाँ कुछ ईमेल्स भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ईमेल हम लोग डालना चाहे तो ईमेल भी हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। तो एक टीडी और हम लोग ले लेंगे और कुछ एक ईमेल हम लोग यहाँ पर डाल देंगे जिससे कांटेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक टीडी और बनाता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीच अस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ईमेल आईडी, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ साई कॉलेज लाइब्रेरी @gmail.com। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फोन नंबर। ठीक है, मैं फोन नंबर अभी कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फोन नंबर 2 या फिर हम लोग मोबाइल नंबर दे देंगे। मोबाइल भी हम लोग कुछ रैंडम यहाँ डालते हैं। ठीक है, हमने यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ करेंगे रिफ्रेश। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हम लोग को कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग को मिल जाएंगी। तो ये पर्टिकुलरली हम लोग कुछ कुछ डिटेल्स डालते हैं ताकि जब भी हम लोग कोई भी पेज खोले तो यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ चीजें पहले से मिल जाए। ठीक है, ताकि हम लोग को अलग से उसको खोजना ना पड़े। और यही सेम चीज हम लोग इस कॉन्टेक्ट फॉर्म में भी डालेंगे। ये तो रह गई, हर पेज के फुटर में ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, और बस एक चीज हम लोग को इसमें और डालना है कि हम लोग यहाँ पे इस PR में एक और चीज हम लोग यहाँ करेंगे, या फिर हम लोग चल इसको हटा देते हैं इस PR को। ठीक है, टेबल के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग में लेता हूँ P, और पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, पैराग्राफ को हम लोग यहाँ क्लोज कर दिए और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे M% copy। ठीक है, M% copy लिखने से यहाँ पे देखना क्या होगा। ठीक है, कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पे बन चुका है छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ M% copy लिखेंगे साई कॉलेज लाइब्रेरी ऑल कॉपी राइट्स आर रिजर्व। ठीक है, ऑल कॉपी राइट्स आर रिजर्व, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक प्रोफाइल बन जाता है। तो M% copy यहाँ पे हम लोग डेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2021 हम लोग डाल दिए। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ये 2021 में बना हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको अलाइन कर देंगे सेंटर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग हर चीज सेंटर अलाइनमेंट करें, यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारा चीज एक जैसा दिखे। ठीक है, अलाइन कर दिए सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ये हेडर हमारा बन गया। हम लोग इसको चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड डाल दो यहाँ पे।
टैग लगा दो बी, ठीक है, और यहाँ बी टैग लगा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो काफी अच्छा सा दिखेगा। हम लोग चाहते हैं तो इस टेबल के सारे कंटेंट को भी हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, सभी को अलग अलग कलर में भी कर सकते हैं, कलर वगैरह करने के लिए फॉन्ट टैग का यूज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज फिलहाल के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है, इसमें बस हमें और कंटेंट यहाँ पे डालने हैं, ठीक है।